नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने UPSC विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीर दास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीर दास जी भक्ति काल की ज्ञानमार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। कबीर ग्रंथावली भाग 3 और इसका शीर्षक है विरह को अंग। कबीर दास जी के पदों अर्थात दोहों का यह 3रा भाग है। विरह को अंग शीर्षक के अंतर्गत इसको रखा गया है। इस भाग में आत्मा को परमात्मा का ही एक अंश माना गया है। आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर संसार में आ पड़ी है। वह परमात्मा से मिलना चाहती है, परंतु माया मोह लोभ मद आदि उसके पथ में बाधा बनकर खड़े हुए हैं। मिलन के अभाव में विरह उत्पन्न हो गया है। इस विरह को ही कबीर ने इन पदों में प्रस्तुत किया है। कबीर ग्रंथावली का 3रा भाग चल रहा है, उसका हम पद 12वां करने जा रहे हैं। यह तन जालो मस करो लिखो राम का नाव, लेखन करूं करंक के लिख लिख राम पठाऊं। इसमें शब्दार्थ देखते हैं, मस ही शब्द आया है और मस ही शब्द का अर्थ जो है वो है स्याही, लिखने वाली रोशनाई। संदर्भ होगा कि यह पद कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं और ये कबीर ग्रंथावली के 3रे भाग विरह को अंग शीर्षक के अंतर्गत जो पद हैं उनमें से यह 12वां पद है। प्रसंग पहले की तरह रहेगा, यानी इसमें कबीर दास जी ने आत्मा और परमात्मा के बीच में जो वियोग चल रहा है उससे वे उत्पन्न होने वाले विरह के दुख का चित्रण किया है। व्याख्या करते हैं। मैं अपने शरीर को जलाकर स्याही करना चाहता हूं। कबीर दास जी कहते हैं कि शरीर को जला के और उसकी स्याही बनाना चाहता हूं, और अपनी हड्डियों की कलम बनाकर परमात्मा का नाम लिखना चाहता हूं, तथा लिख जाने पर उन्हें परमात्मा के पास भेजना चाहता हूं। तो इस तरह पूरे पद में हम देखते हैं कि एक रूपक कबीर दास जी ने बांधा है। पद सौंदर्य इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। विशेष कबीर अपनी मरणशील देह को नष्ट कर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब पद 13। कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाई, एकज पीड़ परीत की रही कलेजा छाई। पीर यानी पीड़ा, पंजर यानी शरीर,
संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, पीड़ा अत्यंत वेदनामयी होती है, वह शरीर से कभी भी मिटती नहीं। उसके लिए जो भी उपचार किए जाते हैं वो सब व्यर्थ चले जाते हैं, परंतु प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाली पीड़ा तो और भी ज्यादा भयावनी होती है। वह हृदय को ही निरंतर खाती रहती है। इसका पदलालित देखते हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है जब हम किसी प्राकृतिक अथवा अन्य वस्तुओं को मनुष्य की तरह कार्य करता हुआ दिखाते हैं। विशेष प्रेम की पीड़ा समस्त पीड़ाओं में सबसे ज्यादा वेदनापूर्ण होती है, यह कबीरदास जी ने यहां पर स्थापना की है। अब पद 14वां, चोट सतानी मिरह की, सबतन जर जर होई, मारण हारा जानी है, कह जिह लागी सोई। शब्दार्थ है सतानी यानी सताना, तकलीफ देना, मारण हारा यानी मारने वाला। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा, व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, विरह की पीड़ा इतनी ज्यादा दुखदायी होती है कि उसके कारण संपूर्ण शरीर ही जर्जर हो जाता है। इस पीड़ा की गहराई को ही दो ही लोग समझते हैं, एक तो वह जिसने यह पीड़ा दी है और दूसरा वह जो इस पीड़ा को भोग रहा होता है। पद सुषमा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मुहावरे का प्रयोग भी हुआ है। मुहावरे का कौन सा प्रयोग हुआ है कि जिसको चोट लगती है वही दूसरे की चोट की पीड़ा को समझता है। विशेष इसमें कहा गया है कि विरह की पीड़ा असहनीय होती है। और अब करेंगे पद 15वां, कर कमान सर संधि कर, खेच जो मार्या माही, भीतर विद्या सुमार है, जीवे के जीवे नाही। शब्दार्थ इसमें कोई खास है नहीं, कठिन शब्द नहीं है, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने धनुष पर तीर चढ़ाकर उसे अपने हाथों से पूरा खींचकर मेरे हृदय को लक्ष्य करके ऐसे चलाया कि वह हृदय के अंदर जाकर धंस गया है। अर्थात परमात्मा के प्रति भक्ति भावना ने मेरे हृदय को अपने वश में कर लिया है। अब यह अंतर करना कठिन हो गया है कि मैं जीवित हूं अथवा जीवित नहीं हूं।
पद सौष्ठ हो, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। भ्रांतिमान अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें एक पंक्ति आई है, जीवय की जीवय नाही, भ्रम हो गया है, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, अंतर नहीं रह गया, तो ये भ्रांतिमान अलंकार यहां पर होगा। विशेष सच्चा साधक जीवन और अजीवन की दशा में ही रहता है। अब पद 16, जबहु मारिया खेच कर तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा छाणी। शब्दार्थ देखते हैं, जानी यानी जानना, मरम यानी मर्मांतक, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जब अपना प्रेम रूपी बाण इस तरह खींचकर मारा कि तब मैंने उसे प्राणों को प्राप्त किया। मारा गया था प्राण हरने के लिए, मृत्यु के लिए, जीवन मिटाने के लिए। कबीर कहते हैं कि उन्होंने जब तीर मारा तो उससे मुझे प्राण मिल गए। इस बाण से मर्मांतक चोट लगी है जिससे कलेजा पूरी तरह छलनी हो गया है और प्रेम उसके कण कण में जाकर भेद गया है। कोई ऐसा हिस्सा हृदय का शेष नहीं रह गया जिसमें परमात्मा के प्रति प्रेम न हो। पद सौंदर्य रूपक अलंकार होगा और सदुक्कड़ी भाषा, गेयता, शांतरस पहले की तरह। विशेष है कि इसमें प्रेम का संपूर्ण प्रभाव किस तरह कबीरदास जी पर पड़ा उसके बारे में विवरण दिया गया है। अब हम करेंगे पद 17, जेह सर मारी काल सो सर मेरे मन बस्या, तेह सर अजहु मार सर बिन सज पाऊ नहीं। सर यानी बाण, सज पाऊ यानी सुख। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जो प्रेम रूपी बाण मुझे कल मारा था वह मेरे मन में सदा के लिए बस गया है। हे परमात्मा, आपसे पुनः प्रार्थना है कि वही बाण आप मुझे आज भी मारिए, क्योंकि उसी से मुझे सुख मिलता है। पदलालित्य देखिए, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और सदुक्कड़ी भाषा, गेयता का गुण, शांत रस लगभग सभी पदों में रहता है। विशेष है प्रेम की पीड़ा में ही वियोगी को आनंद मिलता है। पद 18 करते हैं, विरह भुवंगम तन बसय मंत्र न लागय कोई, राम विवोगी न जिवय जिवय तबौरा
होई। शब्दार्थ देखिए, मुवंगम यानी सर्प, बावरा यानी बावला, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं वियोगी के हृदय में विरह रूपी सांप जो है वो सदा बसा रहता है, वहां से हटता नहीं। इसे निकालने के लिए किसी भी मंत्र का उपयोग कीजिए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तविकता तो यह है कि परमात्मा के वियोग में आत्मा जीवित नहीं रहती। यदि किसी भांति जीवित रह जाए तो वह बावरों की तरह आचरण करती है। पद सुषमा देखते हैं, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विशेष परमात्मा का वियोगी सांसारिक आचरण नहीं करता। अब हम पद 19वां कर रहे हैं, विरह भुवंगम पै सिकरी किया कलेजई घाव, साधु अंगना मोड़ ही जीव भावे त्यों खाओ। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पैस यानी पैठना और मोड़ ही यानी विचलित न होना, न मोड़ ही यानी विचलित न होना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी का कहना है कि विरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर लिया है और कलेजे में उसने घाव कर दिया है, परंतु जो सच्चे साधक होते हैं वे इससे विचलित नहीं होते, बल्कि उनका भाव तो यह होता है कि शरीर का जो अंग उम्दा लगता हो, हे सर्प तुम उसे खा लो। विरह रूपी सर्प से अनुरोध किया जा रहा है कि इस शरीर को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दो, ताकि इसमें जो आत्मा बंधक बनी हुई है वो निकल कर परमात्मा से मिल जाए। पद सौष्ठो देखिए, इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, गेयता का गुण है, शांत रस है, सदुक्कड़ी भाषा है। अब शुरू करेंगे पद 20वां, सब रग तंतु रबाब तन बिरह बजावय नित्य, और न कोई सुन सकाय कै साई कै चित्त। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। रग यानी नसें, शिराएं शरीर में जिनमें से होकर रक्त प्रवाह होता है। तांत यानी मढ़ा हुआ, रबाब यानी वाद्य यंत्र, एक जो संगीत का एक वाद्य यंत्र है उसका नाम रबाब होता है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं शरीर की सभी शिराएं तांत हैं और शरीर पूरा वाद्य यंत्र बन गया है। वियोग इस यंत्र को सदा बजाता रहता है, पर इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को कोई तीसरा नहीं सुन सकता।
इसे तो केवल दो ही लोग सुन सकते हैं, एक तो परमात्मा और दूसरा साधक का मन, तीसरा इसके इससे उत्पन्न होने वाले संगीत को सुनने की क्षमता और योग्यता नहीं रखता। पद सौंदर्य अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और सदुक्कड़ी भाषा गेयता का गुण शांतरस पहले की तरह। इस पद की विशेषता जरा देखिए, इसमें कहा गया है वियोग की ध्वनि को कोई और नहीं सुन सकता। अब पद 21वां करेंगे, बिरहा बुरहा जिन कहो बिरहा है सुलितान, जिस घट बिरह न संच रई सो घट सदा मसान। शब्दार्थ बुरहा यानी बुरा, सुलितान यानी सम्राट राजा। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बिछोड़ने से जो वियोग और विरह पैदा हुआ है उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। वह तो किसी बादशाह के समान होता है जिस देह में परमात्मा के प्रति विरह की भावना का संचार नहीं होता, वह देह तो मरघट स्थल के समान होती है जहां मृत देहें ही पाई जाती हैं। जीवित देह तो वही है जिसमें परमात्मा रहे, निवास करे, उसकी भावनाओं का संचार हो। पदरा लेते अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा है, गीता का गुण है, शांतरस है। विशेष यह है कि कबीर दास जी की स्थापना यह है कि प्रेम में विरह की अनिवार्यता होती है, उससे बचा नहीं जा सकता, बचना नहीं चाहिए। पद 22वां, आसनिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभणिया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। आसनिया यानी आंखों में, झाई यानी जाला। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं आत्मा रूपी विरहिणी कहती है कि अपने प्रीतम परमात्मा के आगमन की राह ताकते ताकते आंखों में जाले पड़ गए हैं, अर्थात दृष्टि धुंधली हो गई है। इसी तरह परमात्मा का नाम रटते रटते जीभ में छाले पड़ गए हैं, अब उच्चारण तक करते नहीं बनता। हे प्रीतम तुम कब आओगे? आत्मा परमात्मा का पंथ निहार रही है और कह रही है कि आप कब आएंगे। पद सुषमा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, गेयता का गुण है, शांतरस है। पद की विशेषता यह है कि प्रीतम की प्राप्ति आसान नहीं होती।